जय हिंद दोस्तों। एक बोर्ड है हमारे पास, इसके आपको फुल सेटिंग बताते हैं। ये बोर्ड किस तरह लगाना है, ये बोर्ड है, इसका नंबर इसका है KRV22801। तो अब इसको हम लगा के देखते हैं। ये फुल HD बोर्ड है, अब इसकी फुल सेटिंग करते हैं कैसे लगाना है। ये हमने लगाया यहाँ पर, वैल्यू डिस लगा दी, IR लगा दिया, वैल्यू डिस, ये मैन पावर, ये स्पीकर के तार हैं, ये बैकलाइट के हैं, ये हमने इंटेक्स की LED है फुल HD, इसमें लाइट आ गई हमारी। सब ऑन करते हैं, ये हमारी मेन पावर लग के चलाया हमने, वो ये ऑन हो गया हमारा। पैनल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसकी, ये अपने आप सही हो जाता है। ये हमारे पिक्चर आ गए, देख सबसे पहले हम LVDS मैपिंग के बारे में बताते हैं कैसे मैपिंग की जाती है। इस पे हम सोर्स दबा के मेनू 11 और दबा के मेनू 11 से इसकी पैनल सेटिंग खुलती है। और ये पैनल सेटिंग जाते हैं हम पैनल में कैसे सेट करते हैं। ये जनरल सेटिंग है इसकी, नीचे पैनल सेटिंग है। ये हमें आगे पैनल सेटिंग में ये बिट को कसते नहीं मत करो, इधर आ गया मिरर आ गया। ये पैनल आ गया पावर ऑन, इसको भी हमें छेड़ना नहीं है, LVDS इसको करना होता है, इससे पता चलता है हमारी पिक्चर साफ कैसे आए। इससे हम पैनल LVDS सेट कर सकते हैं। पैनल सेटिंग में, जनरल सेटिंग में हम पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्टैंड बाई पावर ऑन, जो है ऑटोमेटिक अपना आप ही ऑन हो जाए सेट। ये पावर ऑन कर दिया हमने, अब मैं पावर ऑन करके फिर हमें मैन पावर मैन लीड लगाड़ कर चलाएंगे तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा सेट। तो अब इस पर हम नेटवर्क कनेक्ट करके बताते हैं। हमारा नेटवर्क कनेक्ट करा, गए हम नेटवर्क में, नेटवर्क पे आगे ये वाईफाई पे आगे, इसमें देखा नेटवर्क कनेक्शन, क्योंकि हमने नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है। नेटवर्क कनेक्ट गए, दोबारा समझ लीजिए, नेटवर्क में गए, नेट कनेक्ट हो गया। अब हम नीचे आके यूट्यूब वगैरह चलाते हैं। हमने यूट्यूब चलाया, हमने यूट्यूब चला दिया इसका,
ये हमारा बोर्ड लग के तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, कोई सी वीडियो प्ले कर सकते हैं इस पर आराम से। उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी आपको पसंद आएगी। जो स्टार हम डाउनलोड करते हैं हमारा डाउनलोड आएगा इस पर अपडेट करने के लिए, जो स्किप करके हम आगे बढ़ाते हैं इसको। हमारा खुल रहा है पेज, हमारा पेज खुल गया हॉटस्टार का। इसी तरह हम और भी अलग ऐप अपने डाउनलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ऊपर नीचे आराम से कुछ भी चला सकते हैं इसमें। इसमें मैंने नेटफ्लिक्स चेक नहीं किया, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये अपडेट करना होता है यहाँ पर गए, कोई भी ऐप डाउनलोड करना हो हमें ऐप खोला यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसे ऐप में जाके हम डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी ऐप को। उम्मीद करता हूँ छोटे से जानकारी आपको अच्छी लगी। जय हिंद दोस्तों।